नमस्कार, मैं मेनका गांधी आज आपको बोन चाइना के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले मैं श्रीलंका गई थी। वहाँ मेरे मेज़बानों ने मुझे जाते वक्त एक बोन चाइना का डिनर सेट दिया। मैं बहुत खुश थी। उस डिनर सेट के नीचे बोन चाइना ज़रूर लिखा था, लेकिन दूसरों की तरह मैंने ये सोचा कि बोन चाइना का मतलब ये है कि जो पोर्सलिन जिससे प्लेट बने थे वो पतले भी हैं और बहुत कीमती भी हैं। इसका मतलब है कि बोन चाइना के हैं। बहुत साल बाद मुझे पता चला कि बोन चाइना का मतलब वही है जो लिखा है, बोन यानी कि हड्डी से बना हुआ। और कौन सी हड्डी? गाय, बैल और भैंस। अब वो डिनर सेट किसी ट्रंक में बंद है, क्योंकि शर्म के मारे मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। बोन चाइना एक खास पोर्सलिन है जो हड्डियों से बनता है, जो सफ़ेद है और जो अर्ध पारदर्शी है। इसको पहली दफ़ा इंग्लैंड में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? चीनी मिट्टी सबसे पहले चाइना ने बनाया, इसीलिए तो उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इंग्लैंड में बहुत लोग चीनी मिट्टी को पसंद करते थे प्लेट बनाने में, तो वहाँ के जो बड़े बड़े कंपनीज थे वो चाइना से ये चीनी मिट्टी लाते थे। अब इन्होंने फैसला कर लिया कि ये चीनी मिट्टी बहुत महंगी पड़ रही है, तो क्यों नहीं अपना बनाया जाए। एक आदमी था जिसका नाम था थॉमस फ्राई। उसने 1748 में सबसे पहले हड्डियों को इस्तेमाल करना शुरू किया प्लेटें बनाने के लिए। अब क्योंकि उसके प्लेटें बहुत अच्छे निकले, तो सारे कंपनीज, स्पोर्ड कंपनीज सबसे पहले, फिर उसके बाद अन्य ऐसे बड़े बड़े कंपनीज, मिंटन, वेजवुड, सब ने ये शुरू किया कि वो कतलखानों से सारे हड्डियां लाते थे, उनको राख जला करके बनाते थे और फिर उसके बाद उनके प्लेटें बनाते थे। इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और जो इंग्लैंड करता था वो हिंदुस्तान ने तो करना ही करना था, तो हमने भी शुरू किया यही हड्डियों को इस्तेमाल करके बोन चाइना बनाना। बोन चाइना को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कतल खाने से हड्डियाँ लाई जाती हैं, फिर उनसे मांस उतारा जाता है, उसके बाद उनसे गोंद निकाला जाता है जो गोंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में उनको सुखाया जाता है, फिर उसको पीस करके उसमें अन्य पदार्थ मिला लेते हैं, पानी मिला लेते हैं और फिर उसके साथ क्रॉकरी बना करके उस क्रॉकरी को भट्टी में पकाते हैं, तब जा करके आपके टेबल पर पहुँच जाता है। इस देश में बहुत सारे क्रॉकरी के ऊपर बोन चाइना नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद शाकाहारी इस पर खाएंगे नहीं। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये बोन चाइना है कि नहीं। आप प्लेट को उठाइए, लाइट की तरफ रखिए और उसके पीछे अपनी उंगलियाँ रखें। अगर आपको वो उंगलियाँ दिखाई दें साफ साफ, तो ये बोन चाइना है। बोन चाइना की ये खासियत है कि जितनी ज़्यादा हड्डियों की मात्रा है उतने ही महंगी बोन चाइना होगी। अब कुछ लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि हमने तो नहीं मारा गाय भैंस को, ये सब ज़ाया चले जाता, इसलिए जब हम बोन चाइना पर खाते हैं हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। इस देश में बहुत सारे जानवर, 50% जानवर अपने मांस के लिए नहीं मारे जाते हैं, वो अपने हड्डियों के लिए मारे जाते हैं जो हर काम में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तक कि उनके अंतड़ियों के लिए भी मारे जाते हैं जो वर्क में इस्तेमाल होता है। गाय और बैल की हत्या की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप बोन चाइना पर खा रहे हैं तो समझ लो आपके क्रॉकरी के लिए हजारों जानवर बेरहमी से कत्ल किए गए हैं। अगर आप खरीदते ही नहीं तो बोन चाइना के कारखाने बनाते ही नहीं, फिर जो पहले चीनी के बर्तन बनते थे वो भी बहुत सुंदर है, उन पर क्यों नहीं आप खा सकते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप गाय की हड्डी पर खाना खा लें या चमड़े पर खाना खा लें, तो आप कहेंगे छी 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 छी, मगर आप वही तो खा रहे हैं, गाय की हड्डी पर, चमड़े पर, कत्ल किए हुए जानवर।